रानी का विश्वास पात्र घोड़ा उनका साथ दे सका। अपनी नारी के पास पहुंच कर घर गया। रानी को गुस्सा बस्ते हैं खेल दिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद मेरे YouTube चैनल बुंदेलखंडी छोरा। उम्मीद करता हूँ कि आप अभी जो मेरे ये जो वेडिंग और ये सब जो वीडियो आ रही है, ब्लॉग्स आ रही है, जरूर देख रहे होंगे। तो देखते रहिए दोस्तों शादी के बाद का आज ये दूसरा दिन है। तकरीबन लोग निकल चुके हैं यहाँ से, फूफी लोग भी निकल गए हैं, भाभी लोग भी निकल गए हैं, भैया लोग सब लोग। और लेकिन हम लोगों ने कहा कि चलो यार, इतने दिनों बाद कभी बाहर निकलना हो रहा है, कहाँ निकलना होता है, तो फिर क्यों ना कुछ ट्रिप ही प्लान कर लिया जाए। तो अभी बाजी और हम लोग सभी लोग हैं यहाँ पर, और हम लोग इसी ट्रिप का जो प्लान का तो पहला हिस्सा है, जैसे कि मतलब दूसरा हिस्सा बोल सकते हैं। कल हम लोग अपना कैंपस वगैरह गए थे और आज हम जा रहे हैं झांसी फोर्ट जा रहे हैं। देखेंगे टाइम बचेगा तो नाइट शो भी देखेंगे, जो वहाँ पर लेज़र लाइटिंग शो है, जो भी है वट एवर, देखते हैं वहाँ पर जाके क्या है। और उसके बाद में एक रिलेटिव के यहाँ भी जाना है और वहाँ भी जाना है। और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि जहाँ पे डोली पी ने हम लोग को स्टे कराया था, ये रूम अभी हम लोग खाली कर रहे हैं और जाके अभी कुप्पी के यहाँ पे सामान वगैरह रखेगा, सामान वगैरह रेडी है। और कल सुबह हम लोगों को यहाँ से निकलना है लखनऊ के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो हमारे ट्रिप में इस बार लखनऊ भी शामिल है। तो भाइयों अभी हम लोग ऑटो में हैं और ऑटो वाले भैया हमको कहाँ लेके चल रहे, कौन दिशा में लेके चला रहे भटूरिया, तो क्या गाना है। अभी हम लोग जा रहे हैं झांसी फोर्ट, महारानी लक्ष्मीबाई वीरांगना लक्ष्मीबाई का किला देखने के लिए। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, श्लोगन था। चलिए दोस्तों चलते हैं अभी हम लोग झांसी फोर्ट, और बच्चे भी हैं साथ में, भाजी सर्वरी ने हम लोग के साथ। इधर ही इधर बैठो जी, नो गिर जाओगी। सहर हेलो, डीजे पहुंच गए हम लोग झांसी किला। यहां से पैदल जाना होगा, वो सामने मेन डोर दिखाई दे रहा है झांसी किले का, और यहां से देखिए पूरा शहर दिखाई दे रहा है झांसी का। अभी तो हाइट में जाएंगे तो और अच्छी तरीके से दिखाई देगा। किले के मेन गेट से एंटर करेंगे और राइट साइड लेफ्ट साइड में ही यहां पर देखिए हमारी जो हिंदी साहित्य की कवित्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान की एक कविता लिखी हुई है, पूरी कविता है यहां पर, टाइटल जो हम लोगों ने हरदम सुनी बचपन से लेकर पढ़कर आए, ठीक है। चमक उठी सनसना तावन में, वे तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। अलग ही शौर्य था भाई उनका, अलग ही शौर्य था महारानी लक्ष्मीबाई का भाई। ये एक टाइप का पवेलियन है, मतलब पवेलियन जैसे हम लोग आज की डेट में बैठते हैं कुछ कल्चर प्रोग्राम वगैरह देखने के लिए, उस टाइप का ये बनाया गया है। तो यहाँ पर बताते हैं कि यहाँ पर जो उनके राजा जो थे वो यहाँ पर उनके भाई के लिए बनवाया गया था स्पेशली, क्योंकि उनका ना थोड़ा म्यूज़िक वगैरह में इंटरेस्ट था, तो वो बैठते थे यहाँ पर। और यहाँ से बैठने के बाद में ये जो सामने आप दिखाई दे रहा है आपको, जस्ट सामने ये स्टेज वगैरह था, यहाँ पर लगती थी। और यहाँ पर जो है कल्चर प्रोग्राम वगैरह जैसे आज की डेट में हम लोग करते हैं, तो उस तरीके से ये बनाया गया था। और ये बाकी ये जो बाकी स्पेस है यहाँ का, आप ये जो देख सकते हैं, ये जो है बाकी ऑडियंस जो खास ऑडियंस रही होगी उनके लिए ये वाला स्पेस है। तो दोस्तों ये दरवाज़ा देखो आप, मैं दिखा दूँ इस दरवाजे की मजबूती दिखा दूँ आपको, देखो इतना पुराना दरवाज़ा है। और इसकी आप इनकी दरारों में मजा भाई, ये अभी भी इससे बेहतरीन फर्नीचर बनाया जा सकता है। इनकी मजबूती देने के नट बोल्ट देखो भाई कितने हैवी हैं ये देखो। और पहले पता है जब आक्रमण होते थे ना, तो हाथी से दरवाजा तोड़वाने का काम किया जाता था, तो हाथियों को रोकने के लिए आगे देखो उसमें देखो कीले लगा रखी हैं, ताकि हाथी का प्रेशर ना जाए, मतलब हाथी मार ना पाए इसे, उस हाइट में कीले लगा रखी हैं। और भाई ये है कड़क बिजली तोप, भाई बोलते हैं कि जब ये तोप चला करती थी तो जैसे आसमान में बिजली कड़कती है ना, उस तरीके से ही बिजली कड़कती। और ये मैडम जी कहाँ जा रही हैं भाई, ओ भाई साहब, मैडम ओ मैडम मैडम ना सुने आज किसी की भी। ये है भाई टॉप पॉइंट झांसी का, सब कुछ दिखाई दे रहा है दूर दूर तक, देखो पूरा झांसी शहर दिखाई दे रहा है। तो ये है झांसी किले के अंदर का मॉल गार्डन का एक बहुत ही प्यारा सा व्यू है, ये देखिए वी शेप में रोड जा रहा है, ये मॉल गार्डन में पब्लिक है बढ़िया। और यहाँ पे देखो ये सनसेट भी हो रहा है भैया, सूरज डूबने वाला है थोड़ी देर में, बहुत प्यारा लग रहा है दोस्तों ये। और बहुत काफ़ी हाइट है भाई यहाँ की,
तो गाइस ये तबस्सुम अभी आ गई हम लोग के पास में और क्लासमेट रही है 20-22 साल बाद मुलाकात हो रही है ठीक है। लेकिन बाद में तो आई थी ना, हाँ तो ठीक है हम लोग एक ही स्कूल में पढ़े हैं और छोड़ी थी। अब देखो मेरे से डबल हो गई ठीक है। तो बस यार यही था कि मुलाकात हो जाएगी। और फिलहाल मैं बता दूं कि ये जो होते हैं ना जस साहब आगे फेंक दो कानून की किताब है ये वही है ठीक है। अभी ये वकील है ठीक है, बच के रहना ठीक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। भाई लोग ये है वो ऐतिहासिक प्लेस जहाँ पर हमारे कितने क्रांति वीरों को भटकाया होगा बाद में, या फिर जो राजा के टाइम पे लक्ष्मी भाई के टाइम पे जो बदमाशियाँ करते थे, तो ये वो है फांसी घर ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या करते थे कि ऊपर से रस्सी लटका दिया करते थे और इस गैप में उनको लटकाया जाता था। फांसी घर यही है दोस्तों, ये फांसी घर से डाउन होते हुए जाएंगे और ये हम लोग जा रहे हैं अभी शंकरगढ़ शंकर मंदिर जा रहे हैं। यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई आती थी और अपना जो है आस्था के साथ में शिव आरती की जो पूजा की जाती थी। तो ये वो रास्ता है, ये वो रास्ता है देखिए दोस्तों, ये वो मंदिर बना हुआ है नीचे देखिए। ये है शिव मंदिर और दोस्तों ये शिव मंदिर के जस्ट बैक साइड में मैं आपको एक चीज दिखा देना चाहता हूँ। ये देखिए जो ये घर जैसा दिख रहा है ना, एक्चुअली घर नहीं है ये, किला है। किले में कुआ है और कुएं को पैक कर दिया पूरी तरीके से, बंद कर दिया है। पीछे आओ दोनों, अच्छी तरीके से पैक कर दिया है। बताया ये जाता है कि यहाँ पर बहुत सारा अभी भी मतलब जो है गोल्ड टाइप का यहाँ पे फेंका गया है और अभी भी है। और जो लोग उसको निकालने के लिए आते थे तो जंगली ये एरिया थोड़ा सा मतलब सांपों से भरा हुआ है ऐसा बताते हैं लोग ठीक है। और लोगों को इंजरी हुई है तो इसलिए इसको पूरा पैक कर दिया गया है ठीक है, तो ताकि किसी को इंजरी ना हो, मतलब लोग सेफ रहें, इसलिए इसको बंद कर दिया गया है। ये दोस्तों फांसी घर का रूम है ठीक है। ये दोस्त यहां से हैंगिंग किया जाता था, यहां से ये मैंने वहां से दिखाया था ना। ये भाई ये वो पॉइंट है जहाँ से महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने घोड़े के साथ में किले से जंप किया था जब अंग्रेज अंदर घुस आए थे। तो भाइयों तो तकरीबन लेफ्ट साइड का क्लियर हो गया है पोर्शन, अभी हम जा रहे हैं राइट साइड में ठीक है जी। एक मज़ार है वहाँ पे आके फातिहा पढ़ के आया जाए भाई ठीक है। मोहम्मद गौस खान साहब की जो कब्र है, कौन आता है भाई, और हम अगर आए हैं फातिहा दी जाए तो दे देते हैं। चलो दोस्तों चलते हैं अभी उनके कब्र में, आइए। तो दोस्तों अभी जो मैं आपको दरगाह दिखाने वाला हूँ नेक्स्ट, यहाँ पे तीन हैं समाधियाँ बनी हुई हैं, मज़ार बोल सकते हैं। ग़ुलाम गौस खान जो मुख्य तोपची रहे हैं ठीक है, बहुत ख़ास रहे होंगे भाई, मोतीबाई महिला तोपची जो थी और खुदाबख्श अश्वरोही नेता, तो इन लोगों का जो है 4 अप्रैल 1858 में ये लोग वीर गति को प्राप्त हुए थे। देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, ये है वो जगह। तो दोस्तों ये है पंचमहल, अभी थोड़ा अंधेरा हो गया इसके इसलिए अंदर जाना थोड़ा अलाउड नहीं है। पंचमहल मीन्स एक इनका रेजिडेंशियल एरिया था, ये यहाँ पर इनकी मीटिंग वगैरह होती थी, जो अंग्रेज़ जो भी मिलने आया करते थे बात करने के लिए, कॉम्प्रोमाइजिंग के लिए जो भी चीज़ें हुआ करती थी मीन्स वो इसी जगह पर हुआ करती थी। ये वो पंचमहल है एंट्रेंस के जस्ट सामने ही, और यही उनका पैलेस भी था, मतलब वो यहीं पर रहती भी थी। उसको भी हम लोग वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ पे नाइट लाइट शो होने वाला है, तो देखते हैं कैसा रहेगा, ये चीज़ दोस्तों दिखाते हैं आपको। यहाँ थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है लाइट लेज़र शो, बहुत तारीफ सुनी है, आइए देखते हैं। और यहाँ बैठी हमारी पूरी टीम में सुहैर, ज़ाइमा, ये तबस्सुम, नाजिश शफी, खाला फैज वीडियो बना रहा है, और ये हमारा फराज,
ये देख लो कहाँ आके बैठी है। बोल रही थी, अकेली अभी शो, अभी लेजर शो शुरू नहीं हुआ है, लाइट शो। ये उधर किनारे बैठी है, ठीक है, थोड़ी देर में कह रही है फील हो रही है, मैं सलीम के बिना नहीं बैठ सकती, तो मेरे पास आई है। मुझे अच्छा नहीं लगता, इतनी दूर बैठ गया, वहाँ मैं बैठी, फिर नाजिश, फिर तबस्सुम, फिर सरवरी, फिर जाइमा, फिर जहर, फिर सलीम। अल्लाह, इतनी दूर में सलीम से कैसे रह सकती है। ये देखो यहाँ पर आई, मैं कहा तू एक काम कर, तू गोला बना ले, गोले में बैठ जा। और लग गया मन, अब कैसा फील करता है, थोड़ी सी एनर्जी आई, काम चला लूंगी मैं, तब तक वहाँ बैठ गया। भाई ये घंटे का बहुत अच्छा प्रोग्राम था, बहुत मज़ा आया इसे देख के। बच्चों को स्टोरी बताई, हालांकि थोड़ी बहुत स्टोरी बच्चों ने पढ़ी हुई याद है, उन्हें भी बहुत मज़ा आया। ये नॉर्मल जो दीवारें हैं किले की, उसके ऊपर ही ये लाइट से पूरा डिज़ाइन किया गया है। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम था भाई, वाकई आउटस्टैंडिंग यार। तो भाई ये अभी हम लोग निकले हैं लेज़र शो यानी कि लाइटिंग शो देख के, जो कि अच्छा था, बहुत अच्छा था। मतलब शॉर्ट टाइम में झांसी को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया, ठीक है, और वाकई हेड ऑफ है हमारे जो 1857 में जो क्रांतिकारी गए रहे, मंगल पांडे से लेकर बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे, और इनकी शहादत को सलाम है। बहुत बहुत बड़ा दिल चाहिए भाई, बहुत बड़ा दिल चाहिए, ठीक है। तो झांसी अभी हम लोग यहाँ से अभी हम लोग निकल रहे हैं ना, ये झांसी का मतलब किले का एग्जिट और एंट्री यही गेट है, और ये निकल गए हम लोग बाहर। शानदार शानदार ये प्राचीन दीवारें, ओह बेहतरीन, उम्दा, आला। आइए तैयार है झांसी किले के बाहर की चना जोर गरम। अच्छा था, टेस्टी था, हम लोग जा रहे थे इसमें भी खाया था और आते इसमें भी खा रहे हैं। अभी हम लोग आए थे नीलोपी के घर में, यहीं झांसी में घर है अपनी का, जो इनकी मम्मी जी हैं उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, भाई जी से खड़े हैं भाई अभी, तो मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, तो आया हूँ यहाँ पर। और अभी हम लोग जा रहे हैं वापस घर। आप देख रहे हैं अंदर आंटी बैठी हैं, बहुत ज़्यादा वीक हो गई हैं, शुगर बहुत डाउन हो गई थी आंटी की, अल्लाह ताला जल्दी शिफा दे उनको और सेहत याफ करें जल्दी से जल्द अल्लाह ताला उनको, ये दुआ है हमारी। चले आपकी बहुत अच्छा लगा आके, ठीक है, चले ठीक ठीक। और भाई हम लोगों ने खाना भी खाया यहाँ पे सैयर गेट में, और मेरा तो मानना ये है कि अगर झांसी आए हैं और अगर आप सैयर गेट नहीं आए तो आपका ट्रिप अधूरा है। बहुत अच्छा खाना मिलता है यहाँ पे, रोस्टेड वगैरह सब। और उसके बाद में हम लोग गए सदर बाज़ार गए, और वहाँ पे जो है कुल्लड़ वाली कॉफ़ी हमने ऑर्डर करी। एक्चुअली अरविंद भैया लेकर आए हमको यहाँ पर, अरविंद भैया मेरे सीनियर थे जिला परिषद में, बाजी के क्लासमेट, वो आए हैं यहाँ पर मिलने के लिए हम लोगों से, उनको मालूम चला। और ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से कॉफ़ी तैयार की जा रही है, मैं दिखाता हूँ आपको, अरविंद भैया को दिखाता हूँ। मज़ा आ गया इस कॉफ़ी में तो भाई, और ज़रूरत भी थी, ठंड थोड़ी सी बढ़ रही थी, हमने कहा चलो कॉफ़ी पी जाए। और ये हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं अरविंद भैया, और ये देखिए साइड में, हाय अरविंद भैया। और जो मेरी क्लासमेट थी सरिता, ये उसके हस्बैंड हैं, बाजी के साथ के हैं ये। तो भाई लोग हो गया है आज के दिन का एंड, और हम लोग आ गए हैं घूम घाम के, लेट काफ़ी हो गया है, लेकिन यार जब गए थे इतने दिनों बाद मिले हैं, लेट नाइट आउटिंग है, तो फिर चलो कोई बात नहीं, चलता है। बस दिक्कत यह है कि कल सुबह हमको 4:30 बजे घर से निकल जाना है, क्योंकि 6 बजे ट्रेन है हमारी, तो टाइमली पहुँचना है वहाँ पर, ठीक है।
तो देखा। चलिए दोस्तों, ये था झांसी किला, सदर बाजार की कॉफ़ी और वहाँ का जो है शोरमा, सैयर गेट का खाना भी हम लोगों ने वहीं पे खा लिया था, लेकिन भूख इतनी लगी थी ना कि खाने आने की हम लोगों ने वीडियो नहीं बनाई। तो बोलो जल्दी खाओ, जल्दी चलो, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आसपास साफ सफाई बनाए रखें, भाईचारा बनाए रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।